हेलो नमस्कार साथी, हाउ यू? हाँ कैसे आप सभी लोग हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के जो चैप्टर हम लोगों को चल रहा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि हमने इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग के विषय में पूरा डिटेल पढ़ना है, जिसमें एक्सक्रेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये तमाम चीजें होंगी। उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इंटरनल पार्ट होगा, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग। यहाँ पे फ्रॉग करेंगे, ये इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें है, सब कुछ इसमें दिया गया है। दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी देखा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्रेटिंग मेम्ब्रेन देखा था, टिम्पैनम देखा था, हमने उसमें कितने डिजिट्स पाए जाते थे वो देखा था, हमने उसमें ये देखा था कि कॉपुलेटरी पैड कहाँ पर होता है, हमने देखा था कि किसमें आवाज साउंड करता है, यानी जो भी जनरल मॉर्फोलॉजी थी, एवरीथिंग आई विल डन और फर्स्ट लेक्चर में देखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत छोटा होगा लेक्चर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिगर आपका कॉमन होगा, सबके लिए ही रहेगा, इसलिए फिगर को बढ़िया से बनाएंगे और इसको लेकर के हम लोग डाइजेस्टिव, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्टिव पार्ट, जितने भी चीजें होंगी सबको लेकर के चलेंगे। तो आइए, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। तो साथियों, आप लोग नोट्स निकाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बात होगी हम दिखाते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे, ठीक है? आइए चलिए इसमें देखेंगे। देखिए, जो बॉडी कैविटी है दोस्तों, यानी इसमें लिखेंगे, अगर हम बात करें यहां पे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, अभी इससे पहले हम लोगों ने बात क्या किया था, हमने बात किया था मॉर्फोलॉजी, बाहरी स्ट्रक्चर कैसा था। अब हम बात करेंगे कि फ्रॉग को ऑपरेट किया जाए, कहा होता है, ऑपरेशन किया जाए, तो उसका इंटरनल पार्ट में क्या क्या दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे दोस्तों, क्या मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या हो सकता है, जैसे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा साथियों, जैसे इसमें देखेंगे सर्कुलेटरी मिलेगा, जैसे मिलेगा इसमें रेस्पिरेशन मिलेगा, है ना, जैसे मिलेगा इसमें नर्वस सिस्टम मिलेगा, है ना, ये सब होगा। और इसमें आपको मिलेगा डाइजेस्टिव, बता ही दिया मैंने, ये तमाम चीज। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मिलेगा, हाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा कुछ जूस सिक्रेट होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा जब आप फ्रॉग के इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले आज डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। देखिए, बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ, बहुत छोटा शॉर्ट आपका वीडियो होगा, आप आराम से समझ भी जाएंगे। देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, फिनिश फ्रॉम द एनस, पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसे इसमें भी पाए जाते हैं। लगभग लगभग बहुत सारी चीज सेम होती है फ्रॉग्स और इसके केस में। अब आएंगे हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में दोस्तों। देखेंगे, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, ये कंसिस्ट होता है, क्या होता है, ये कंसिस्ट होता है किस चीज़, कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होगा। फिर देखेंगे इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाएंगे, इन्हीं से कहानी होगी। एलिमेंट्री कैनाल एक नली पड़ी हुई है, जिसमें किनारे किनारे छोटे छोटे ग्लैंड्स लगे हैं, जो जूस निकालेंगे और कैनाल में भोजन जाएगा, जूस निकालेंगे भोजन में मिलेगा, मिक्स करेगा, डाइजेस्ट करेगा, क्लियर है? तो पहली बात ये बता देंगे यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं बात यहाँ पे करूँ दोस्तों, तो बता देंगे कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री जो कैनाल होता है बेटा, ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है, बिकॉज क्यों ऐसा होता है, बिकॉज फ्रॉग और कॉर्निफोर्स, कॉर्निफोर्स, ठीक है ना, लिखेंगे स्टार्टेड फ्रॉम। अब स्टार्टेड कहाँ से होगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पे, एरो बना लीजिएगा, माउथ होगा, माउथ से शुरू करेगा पूरा सिस्टम दोस्तों, ये माउथ ओपन, यहाँ से शुरू होकर के प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जो ह्यूमंस में कैसे होता है, बक्कल कैविटी,
फिर आप देखेंगे ये आइसोफेगस में भागेगा, आइसोफेगस में चलेगा साथियों, और फिर ये आइसोफेगस से होते हुए आप देखेंगे थ्रू, ये आइसोफेगस में कहां तक पहुंचा है, थ्रू द फायरिंग्स। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? अब देखेंगे दोस्तों आइसोफेगस बहुत ही शॉर्ट होता है, अगर मैं तीसरे पॉइंट बनाऊं तो बता देंगे इसमें आइसोफेगस इज वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, विच ओपन, जो कहां पर ओपन होगा, विच ओपन, ये स्टमक में जाएगा, कहां पे भाई, स्टमक में पहुंचेगा। फिर ये कहां पे चला जाएगा, हम लोगों में कहां जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसको देख लेंगे हम, ये खुलेगा आपका रेक्टम, रेक्टम में ये फाइनली, और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहां पर पहुंच आउटसाइड, कहां पे जाएगा ये आउटसाइड, इसके मदद से बाई क्लोएका, बाई ये देखिए क्लोएका, एक बार ये लास्ट में खुल जाएगा ये बाई क्लोएका। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? तो क्लोएका हो गया, इतनी बातें एक यहां से शुरू करते हैं, क्लोएका पे आकर के फाइनली इसको क्या होना है, खत्म होना पड़ता है, ये होते हुए क्लोएका के पास खत्म करेगा एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट देखेंगे चौथा पॉइंट, इसमें बता देंगे दोस्तों ये जो लीवर होता है, लीवर आप देख पाते होंगे, तो देखिए लीवर ये वाला सब भाग, ये सब जो लीवर वाला भाग है, लीवर क्या करेगा आप देखेंगे, लीवर सिक्रीट करेगा, लीवर सिक्रीट, और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि लीवर सिक्रीट क्या करेगा, बाइल, जो कि स्टोर होता है कहां पर, बाइल सॉरी गाल ब्लैडर के, जैसे हम लोगों में होता है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अभी आप देखेंगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी आप देखेंगे क्या निकालेगा, पैनक्रियाटिक जूस, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकालेगा। ये बातें समझ आ रही हैं? इतनी बातें इसमें इंपॉर्टेंट अभी आपने देखा है। अब हम बात करेंगे इसके टीथ के बारे में, टीथ है कि नहीं है, ये सब बातें होंगी, तो इसका सिंसार लेके फिर आगे मैं बताता हूँ। जो अगला पॉइंट चौथा पांचवा पॉइंट बताता हूँ, चलिए भाई आगे इसमें देखने वाले हैं। इतनी बातें हो गई, अब हम पांचवे पॉइंट की बात करने वाले हैं। फर्स्ट यानी पांचवा पॉइंट क्या कहता है इसमें, देखो टीथ जो होगा बेटा क्या होगा, एब्सेंट होगा कहां पर, लोअर जा पर, टीथ आर एब्सेंट इन लोअर जा, जो नीचे का जबड़ा होता है इस पर क्या होता है, टीथ हमारा एब्सेंट होगा, ये ध्यान देना, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। लेकिन जो अपर जा है बेटा, जो अपर जा है यहां पर एक दांत होता है जिसका नाम क्या होता है, मैक्सिलरी टीथ, क्या नाम होता है इसका, मैक्सिलरी टीथ, यानी ऊपर वाला जो अपर जा है उस पर मैक्सिलरी टीथ आपको देखने को क्या होता है, मिलेगा, जो कि क्या होंगे, ऑल टीथ, ऑल टीथ सिमिलर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और जब सारे टीथ सिमिलर होते हैं तो ऐसे सिचुएशन को बेटा होमोडोंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, होमोडोंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, होमोडोंट क्या है, इन द केस ऑफ द फ्रॉग व्हेनेवर ऑल द टीथ आर द सिमिलर इज कॉल्ड द होमोडोंट। तो ये हो गया, आगे देखेंगे छठे पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट नंबर छह देखेंगे दोस्तों, टीथ जो होता है, टीथ कैन रिप्लेस, ये रिप्लेस्ड होता है मैनी टाइम, यानी बहुत बार ये जमता है, मैनी टाइम कहां पर, टू कॉल्ड मैनी टाइम, सो कॉल्ड, इसका नाम क्या दे देंगे, सो कॉल्ड पॉली फाइकोडॉन, पॉली फाइकोडॉन। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर दांत जीवन में कई मरतबा रिप्लेस्ड होते हैं, जमते हैं, तो ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, फाइकोडॉन, दांत सब सेम होते हैं, क्या बोलते हैं, होमोडोंट के रूप में जाना जाता है। तो ये सब पॉइंट, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर देखेंगे सातवां पॉइंट लीजिए, टीथ कैन, ऐसा करिए, टीथ जो लोडेज होता है, नहीं किसी चीज में घुसा नहीं होता है, उसी चीज को मैं बात करूंगा, यहां पर ऐसा करो
टीथ आर नॉट और नॉट किसमें लोड्स इन ए सॉकेट, क्या नाम होता है, एक सॉकेट में धंसा नहीं होता है, किसमें जबड़े के, ऑफ जा बोन कार्ड, क्या नाम होता है बेटा, जब दांतों के या जबड़ों के अंदर एक सॉकेट होता है उसमें जब दांत धंसा ना हो फंसा ना हो तो ऐसे को बोलते हैं एक्रोडॉन्ट, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोडॉन्ट, जो कि हेल्प किसमें करता है बेटा, हेल्प इन मेस्टिकेशन। और मेस्टिकेशन आप जानते हैं कि जो फूड होगा इनका फ्रॉग का उसको पीसने में, तो मेस्टिकेशन करने में, ठीक है। अठवा पॉइंट देखेंगे इसमें दोस्तों, इसमें होता क्या, जो माउथ होता है, अब माउथ कहाँ पे जाएगा, ये बक्कल कैविटी के पास जाएगा, बक्कल कैविटी, ये कहाँ भागेगा, आइसो फेगस, ये भैया कहाँ भागेंगे, स्टमक, इनको भी जाना है किसके पास, सभी सब बताए इंटेस्टाइन, ये कहाँ जाएंगे भाई साहब, रेक्टम के पास जाएंगे, और रेक्टम कहेगा साहब अब हमें निकाल दीजिए, यानी फाइनली ये लोग कहेंगे हमें आउटसाइड करें, अब आउटसाइड किसके द्वारा होगा भाई, क्लोएका, जो इसको हम बोल सकते हैं रिसीव द, कहां से रिसीव द रेक्टम, किसमें, इन मेल, क्या बातें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, दोनों के केसेस में ये प्रोसेस सेम होगा। तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, क्लियर है यहाँ तक, ये सारी बातें, यानी कि माउथ बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी आइसोफेगस में गया, आइसोफेगस हमारे कहाँ गया, स्टमक में गया, वो इंटेस्टाइन में गया, फाइनली वो रेक्टम में गया, और फाइनली कहाँ गया, वो फाइनली आप देख सकते हैं कि आउटसाइड चला गया, किसके द्वारा, क्लोएका द्वारा, और क्लोएका किसके द्वारा रिसीव किया गया, रेक्टम के द्वारा किया गया, मेल और फीमेल दोनों में ये कॉमन प्रोसेस है। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, जिससे जो मेल होता है दोस्तों, इसमें यूरोजेनाइटर, समझ, यूरोजेनाइटर यूरिन और जेनाइटर यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों नाम को यूरोजेनाइटर कहते हैं, तो सब चीज को ध्यान देना, लिखेंगे इसमें मान लेते हैं ये अठवा पार ले लीजिए, इन मेल यूरोजेनाइटल डक्ट, ये ओपन करेगा बेटा कहां पे, ओपन इनटू कहां पे, क्लोएका, क्लोएका में कैसे होगा, एंड इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन कहाँ पे करेंगे बेटा, ये हाँ सेपरेटली कर लीजिए, सेपरेटली, ये ध्यान दीजिएगा, सेपरेटली इन क्लोएका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लिख दिया है भाई, मेल है तो मेल कहता है कि हमारा यूरिन वाला रास्ता और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक साथ क्लोएका में खुले, फीमेल कहती है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो मतलब यूरिन वाला हिस्सा है ये सब दोनों अलग अलग क्लोएका में खुलता है, तो वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, पॉइंट ध्यान से लिखिएगा, देखेंगे दोस्तों होता क्या कि जो लीवर होता है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो कि कहां पर है, सैचुएटेड बिहाइंड हार्ट, आप देख सकते हैं लीवर ये है, हार्ट ये वाला भाग है, हार्ट के बीचों बीच में क्या होता है, इधर उधर धंसा रहता है, तो हार्ट बीचों बीच में है, सैचुएटेड किसके, बिहाइंड द इसके, ठीक है ना, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि सैचुरेटेड होता है बिहाइंड द हार्ट, हार्ट के बिल्कुल पीछे पाया जाता है, तो चीज मैं लिख दी यहाँ पर, आगे इसमें लिख लेंगे दोस्तों, हाँ लिखेंगे लीवर के पास दोस्तों होता क्या है कि टू लोब होता है, कितने लोब होते हैं, टू लोब, दो लोब होते हैं, हैव देखिए दो लोब, एक नंबर एक और एक दो, दो लोब है, हैव क्या पाया जाता है इसके पास, एक पाया जाएगा दोस्तों बाइल या गाल ब्लेडर कह दीजिए, गाल ब्लेडर बिटवीन लोब, दोनों लोबों के बीच में आप देखेंगे दोस्तों ये सेक्रीट करेगा
सीक्रेट क्या करेगा ये सीक्रेट बाय जोस। दोनों लोगों के बीच में आपको जब गाल ब्लेडर मिलेगा दोस्तों, तो ये जो गाल ब्लेडर देख लीजिए, ये गाल ब्लेडर ही है, ये बीच में है, दोनों लोगों के बीच में है, ये निकालेगा क्या अपने अंदर से बाइल जूस। ध्यान दीजिएगा ये सब डाइजेशन में मदद करेंगे आगे चल के, तो ये क्या निकालेगा अपने अंदर से बाइल जूस निकालेगा। फिर देखेंगे इसमें दसवां पॉइंट बना दीजिए, जो फूड होता है दोस्तों ये फूड कैप्चर होता है, फूड क्या होता है ये कैप्चर्ड होता है, इसके पास पाया जाता है बाइल ऑफ टंग, भाई दो लोब वाला जीव होता है चटाक से खींच लेता है। अब मेघा देखे होंगे, मेघा आपके सामने बैठा रहेगा त्राक से कीड़े को पकड़ेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कैसे क्या होगा। ये बाइलो टंग है, इसके द्वारा इलास्टिसिटी इतना तेज है कि इंसेक्ट को खींच लेगा, ये बाइलो टंग के द्वारा ये सब प्रोसेस होता है। और इसमें होगा क्या, इसमें दोस्तों एससीएल गैस्ट्रिक जूस ये सब क्या करते हैं, ये सब सीक्रेट होंगे कहां से, बाई स्टमक यहां से निकलेगा, जो कि हेल्प करेगा, हेल्प इन किसमें, फूड फूड डाइजेशन, ये ध्यान दीजिएगा। अगला बात अगर मैं बताऊं यहां पे दोस्तों, ये जो पार्शियली जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं, पार्शियली जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइम कहते हैं, ये सब पढ़ाया ह्यूमंस में पढ़े होंगे आप, इसको क्या बोलते हैं ये काइम, ध्यान देना इसको। और फाइनली ये कहां पर चले जाते हैं, ये स्टमक के पास भाग जाते हैं, ये स्टमक के पास चले गए, भाई जो अभी अनडाइजेस्टेड फूड होगा एक स्टमक के पास निकल गया वहां पर, जो भी वहां पर है, ठीक है ना। अब देखेंगे ये क्या करेगा, अगला पॉइंट बना लेते हैं, तो कहिए चलिए 13 पॉइंट बना लेंगे। देखिए ये जो बाइल जूस है बेटा, बाइल प्लस पैनक्रियास, आपको पता है ये दोनों कहां करते हैं, ये रिलीज करते हैं बेटा, दोनों रिलीज करते हैं टू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसके द्वारा, बाई कॉमन बाइल डक्ट। तो जो कॉमन बाइल डक्ट होता है इसी के माध्यम से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोस्तों, ये इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, वहां पे जाकर के क्या करते हैं, ये ओपन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब ह्यूमस में पढ़ाया गया है। देखेंगे 14 पॉइंट, जो ये बाइल होता है दोस्तों ये क्या काम करता है, ये इमल्सीफाई करता है, इमल्सीफाइड किसको, फैट को, जैसे ह्यूमन में टूटा है फैट को। और जो ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज क्या करता है, ये जूस निकालता है जिससे भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और ये स्पेशली एक्शन किस पे करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। और प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को फाइनली आप देखेंगे, प्रोटीन को कौन ले लेता है, इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के पास चला जाता है प्रोटीन वाला भाग, और वहां पर ये इसको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है। और एक लास्ट पॉइंट अगर देख लेंगे इसमें दोस्तों, ये जो डाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है ये एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या होता है ये एब्जॉर्ब, बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या होता है आप पढ़े होंगे, विलाई, क्या बोलते हैं ये विलाई, या और एक नाम होता है माइक्रो विलाई, क्या बातें समझ आ रही हैं। तो इतनी बातें दोस्तों आप देखेंगे कि इस फ्रॉग में सब होती है, बाइल जूस निकलेगा, वही पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, इसमें बाइल लोग आपको टंग मिलेगा, फूड आएगा, किस तरह से माउथ से बकल कैविटी से फायरिंग से होकर के ऑसोफेगस से होकर के धीरे धीरे आगे प्रोसेस बढ़ाएगा। यानी जैसे ह्यूमस में आप पढ़ते हैं सेम प्रोसेस वही है, इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिला, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ओपनिंग कहाँ पे होगा, यूरोजेनाइटल वाला जो पार्ट है ये सारी चीजें थोड़ा डिफरेंट है। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं तो फ्रॉग बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस में इसमें नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, समझ में आया होगा आपको आई होप, लाइक कमेंट से जरूर कर देना, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं होंगे वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें शॉर्ट लीजिएगा इसका।